अखिल भारतीय गोंडवाना पार्टी ने सोमवार को नगर निगम स्थित लक्ष्मीबाई पार्क में गोंड जाति प्रमाण पत्र बनाने के लिए धरने के पांचवें दिन धरना स्थल से 11 बजे रैली की शक्ल में चलकर मंडल आयुक्त कार्यालय पहुंचकर गोंड जाति का प्रमाण पत्र बनाने के लिए मंडलायुक्त को ज्ञापन सौंपा। ज्ञापन देने पहुंचे अखिल भारतीय गोंडवाना पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष डॉक्टर गणेश गौंड ने कहा कि अगर जाति प्रमाण पत्र नहीं बनता है तो हम 25 जुलाई से भूख हड़ताल करेंगे, उग्र प्रदर्शन करने को बाध्य होंगे। इस अवसर पर गोरखपुर न्यूज से बात करते हुए अखिल भारतीय गोंडवाना पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष डॉक्टर गणेश गौंड ने कहा, गोंडवाना पार्टी हमारी मांगे पूरी करो, पूरी करो, पूरी करो, हमारी मांगे पूरी करो, पूरी करो, पूरी करो, जिंदाबाद, जिंदाबाद, हमारी मांगे पूरी करो, पूरी करो, पूरी करो, जारी करो, जारी करो, सर मेरा नाम डॉक्टर गणेश गौड़ है। हम लोग जात प्रमाण पत्र के मुद्दे पर हम लोग ये रैली निकाले हैं। जात प्रमाण पत्र के लिए पाँच दिन से नगर निगम में हम लोग धरना दे रहे हैं। 2400 घंटा हम लोगों ने धरना दिया है, आज पांचवा दिन है। एक रैली के माध्यम से कमिश्नर साहब को हम ज्ञापन दिए हैं ताकि हमारा जात प्रमाण पत्र बन सके। गोंड जात का अनुसूचित जनजात हम लोग आते हैं, विगत 2500-300 साल से कभी जात प्रमाण पत्र बनता है, कभी नहीं बनता है, कभी बनता है, कभी नहीं बनता है। गोरखपुर मंडल से पैदा हुआ, देवरिया, कुशीनगर, महाराजगंज, यहाँ पे जात प्रमाण बनता है, सिर्फ गोरखपुर में नहीं बनता है। आखिर में क्यों, इसका कारण मैं जानना चाहता हूँ। हमने ज्ञापन के माध्यम से कमिश्नर साहब को दे दिया हूँ, एक महीने का समय मांगे हैं। अगर एक महीने में समय नहीं मिला तो हम उग्र आंदोलन करेंगे। अभी तो हम शांतिपूर्वक हम सिर्फ ज्ञापन दिए हैं, अपनी मांग को माने हैं। हमारी उम्मीद है कि हमारी मांग को मान लिया जाएगा।